इस वक्त आगरा से एक बड़ी खबर है। खंदौली पुलिस ने अवैध असला बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। फैक्ट्री में अवैध तमंचे निर्माण के साथ साथ रिपेयरिंग भी होती थी और ये आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के नगला गडरिया में फैक्ट्री चल रही थी, जहां पर पुलिस ने छापा मार कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। सूचना पर मारे गए छापे में शमसुद्दीन पुत्र राजे खां निवासी नगला गडरिया उम्र 60 वर्ष को पुलिस ने मौके से पकड़ा, जिससे 2 अदद देसी तमंचे और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा तमंचा बनाने और रिपेयरिंग करने का सामान भी बरामद हुआ है। तो यह सब जानकारी सीओ एतमादपुर अर्चना सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। सीओ ने बताया कि थानाध्यक्ष खंदौली अरविंद कुमार निर्वाण ने अपनी टीम के साथ सूचना पर छापा मार कर यह कार्यवाही की है। ये श्रीमान वरिष्ठ अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण हेतु जो अभियान चलाया जा रहा था, उसके अंतर्गत थानाध्यक्ष खंदौली व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नगला गडरिया के पास से ट्यूबवेल के पास से एक व्यक्ति शमसुद्दीन को गिरफ्तार किया गया, जो कि एक असलहे की फैक्ट्री चला रहा था। उसके पास से 2 अवैध तमंचे, 7 कारतूस अलग अलग बोर के तथा असलहे की फैक्ट्री के सामान बरामद हुए हैं। उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, वो अकेला ही चलाता था। काफी उसकी लगभग 55-60 वर्ष की उम्र है और ये जो असलहे अवैध तमंचे वगैरह हैं, अगर उसमें कोई खराबी हो जाती थी तो उसको भी सुधार करता था। और फरार सल्लो और साहिद की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थानाधीश खंदौली द्वारा कार्रवाई की गई।